स्ट्रीट प्ले है विद अ मैसेज, तो आप लोग जरा ट्राई टू सपोर्ट अस, क्योंकि ये पहली बार स्ट्रीट प्ले हो रहा है, वो भी जेएनसी कर रहा है, तो आई थिंक सबको पसंद आएगा, तो हम लोग अभी चालू करते हैं एंड नाउ इट स्टार्ट्स। मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ, क्लास जा रही हूँ, क्या हुआ मम्मी? अरे मुझे नहीं ठीक है, डोंट नो क्या हो रहा है, मुझे मालूम नहीं क्या करूँ। अरे मम्मी आज तेरे को बहुत बुखार है, आज तू मुझे छोड़ने मत आ, मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे तू अकेली जाएगी, तू अकेली जाएगी, मुझे तुमको मालूम है ना कि रोज मैं तुमको छोड़ने आती हूँ, लेने आती हूँ, तो अकेली जाएगी मुझे बहुत टेंशन होता है, और तू इतनी जवान है, खूबसूरत है, फिर और मैं क्या बोलूँ तुमको बेटी। अरे मम्मी अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तू चिंता मत कर। अरे अरे तू बड़ी हो गई है, हेलो तू बड़ी हो गई हो ही तो चिंता की बात है, छोटी होती तो इतना नहीं था, अभी तो लोड लेने छोड़ने सब करती थी मैं, पर अभी तू बोलती अकेली जाने के लिए। मम्मी आज तेरी तबीयत अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अभी है ना मैं जाऊंगी, तेरे को फोन कर दूंगी, तू जरा भी टेंशन मत ले। पक्का फोन कर दूंगी, पक्का करना बेटा, चिंता मत कर। हाँ 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 ठीक है ठीक है। अरे आजकल के बच्चे समझते ही नहीं है कि जमाना कितना खराब है, क्या करना चाहिए, कब ये लोग सुधरेंगे मालूम नहीं, इतनी जवान लड़की और इतनी खूबसूरत, और क्या बोले अभी मालूम ही नहीं पड़ रहा है। हेलो मेरा तो सर बहुत दुखा, मैं गोली लेके सो रही हूँ। नथी नेहा वो ले, नेहा नेहा हेलो नेहा नेहा। अरे अरे ये तो 11 बज गए, ये नेहा आई नहीं, मैं क्या करूं अभी, ओ माय गॉड। अरे क्या करूं, फोन बैटरी डाउन हो गई है, यहाँ कोई चार्ज रिचार्ज करने के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या करूं, फोन ही नहीं लग रहा है, मम्मी बहुत चिंता कर रही होगी, लेकिन अब करो क्या, बैटरी डाउन हो गई है मेरी। 11:30 बज गए और नेहा नहीं आई, इतनी जवान लड़की और घर से बाहर इतनी लेट तक मैं काम करती हूँ, मैं उसके क्लास में जाके उसके सर से पूछती हूँ कि वो कहाँ है। डिंग डोंग सर मेरी लड़की नेहा इधर आई है क्या, क्या 8 बजे क्लास खत्म होके वो चली गई? अच्छा वो तो अभी तक घर नहीं पहुँची, आपको कुछ मालूम नहीं है? कोई बात नहीं ठीक है मैं जाती हूँ। हेलो बाप रे मुसू करूँ क्या करूँ, मैं मालूम नहीं पड़ता, इतना अंधेरा है, सुनसान है, और वो लड़की भी अकेली है, करूँ क्या मैं, मुझे समझ नहीं पड़ रहा है। मैं काम करती हूँ, फोन करती हूँ, अरे अरे नेटवर्क ही नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है, एयरटेल का जियो बोलो कोई भी फ़ोन बोलो, जब ज़रूरत होता है तो फ़ोन लगता ही नहीं है इमरजेंसी में। ओ माय गॉड मैं क्या करूँ, ए भगवान मुझे कुछ सुझाओ, मैं क्या करूँ। अच्छा भी इतना अंधेरा, मुझे भी डर लग रहा है, एक मिनट, रिक्शा रिक्शा हेलो दोस्त, चलो आओ, इतना अच्छा मौसम है, थोड़ा घूमते हैं, रात का टाइम है, बहुत अच्छा है, क्या आओ अभी क्या आओ, चलिए आओ थोड़ा, नहीं नहीं अभी ये सिगरेट पीते हैं, क्या तो बातें करते हैं, अरे वाह तू भी एक छोटा मार, क्या देखा यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, देखो वहाँ आंटी दिख रही है, आंटी आंटी है, आंटी खड़ी है, चलो चलो बहुत पता क्या लगती है, मेरे को तो बहुत डर लगती है, चल चल बात करते हैं, मजा लेते हैं, चलो जरा मजा लेते हैं, चलो 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 आंटी आपको कुछ हेल्प चाहिए? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अरे 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 मैं आपको हेल्प करने आया हूँ, नहीं नहीं मैं जा रही, अरे इतनी रात में अकेले इसका इंतजार कर रही हो, कौन है
तैयार हो रहा है। क्या इधर उधर देख रही है, मैं हूँ ना, मैं हूँ। चलो चलो आंटी, क्या ऑटो ऑटो बोल रहे हो? हमारी बाइक पे बैठ जाओ। चलो बाइक पे छोड़ते हैं आपको, बाइक में छोड़ते हैं। क्यों परेशान हो रही हो आंटी? चलो चलो, अरे नहीं छोड़ो मुझे, कपड़ा पकड़ो, छोड़ो छोड़ो बोल रही है आंटी। કાલ નથી બધું જ છે, એટલે પડદા ઉઠાવ, ભગવાન ક્યા ક્યા કાંતા બેન, રે પ્યા રે, બાપ રે બાપ, કોઈ નહી હે ક્યા, ચલો ધીરે સે ખિસક લો, ખિસક લો ધીરે સે, અભી એક ઓર નામ લગ ગયા ઇન દોનો કે ઉપર। हमारे जैसे को भी नहीं छोड़ते लोग, क्या बोलूं मैं उसकी माँ जैसी हूँ। माइक माइक, आ मैं क्या करूँ, ओ माय गॉड। हेलो हेलो, माइक ना चले। अरे ये दिस वाज द ड्रामा और उसी का मैसेज है, दिस इज माय फैन। कोई बात नहीं, माइक नहीं चलता है तो मेरी आवाज़ ही लाउड इनफ है। ये स्पेशल मैसेज है कि अपने को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कोई भी अपने को कुछ भी करता है, मिसबिहेव करता है, तो वी शुड प्रोटेस्ट। सबको बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि तेरा छोटे बच्चे होते हैं, डोंट फॉरगेट, लड़के कभी मिसबिहेव करते हैं, घर के ही लोग करते हैं, बाहर के भी, पर डर के मारे कोई कुछ बोलता नहीं है, विच इज वेरी रॉन्ग। डरो मत, आवाज उठाओ, इट इज हम लोग का राइट के वी शुड। कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए अपने को, और सोसाइटी के लिए तो इट इज बहुत दबाई जैसा है। वो लोग तो अपना मजा लेके चले जाते हैं, फिर इसकी जिसके ऊपर बीतती है उसको मालूम पड़ता है कैसा हालत। आप रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, छोटी बच्ची बड़ी बच्ची, इसको नहीं है, छोटे बच्चे भी। तो मेरी खाली इतना मैसेज ये है कि प्लीज़ प्लीज़ सबसे प्यार से अपने घर में सबको समझाओ, बड़े हो छोटे हो, कि समय देख के चलना चाहिए। अंधेरा है तो कुछ सपोर्ट रखो, किसके साथ फोन पे चालू हो तो आओ, अदर्स लर्न सेल्फ डिफेंस, कुछ करो, बट डू नॉट गिव अप विदाउट अ फाइट, एंड प्लीज स्पीक अप। सो दिस इज माय मैसेज, आई होप यू ऑल लाइक इट, अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। ट्विंकी जी और सब आर्टिस्ट के लिए तालियां बजाओ, मगर ऐसा बजाओ क्योंकि जैनों में ताली से भी हिंसा होती है, और हाथ में मेहंदी भी लगाई हुई है, तो मेहंदी खराब नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा से ऐसा ही हो जाए। तालियां, नए टाइप की तालियां। पुलिस आई जो मुझे इतना सपोर्ट किया है रोल में। हमारे दो दिन में ये ड्रामा मैंने किया है, सुबह बैठे थे पक्का किया, घर जाके लिखा, और नेक्स्ट डे जो बैठे थे उसी के साथ किया। और नेहा कांता बहन, मुझे एक था कोई वो भाग गया, क्या मुझे कांता बहन को लड़का बनाना पड़ा, तो
आई थिंक शी डिड अ वेरी गुड जॉब. एक तालियां हो जाए कमलता बेन के लिए. अरे जो ताली बजा सकते हो तो बजाओ. सो दिस इज फॉर जेएलसी एंड बाय जेएलसी फ्रॉम पिंकी. यो चलो पिंकी जी के लिए वापस हाथ ऐसा कर दीजिए भाई. शॉर्ट टाइम में, दो दिन में नहीं, दो मिनट में भी सब कुछ हो सकता है भाई. दो मिनट में अलग मोड में पार्लर गई है.